नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत करुच्छे सिद्धांत टीवी आउरी एक नूतन भिडियो को। दर्शक बंधु आपण मैंने केमती अच्छे कहतु, जगन्नाथ महाप्रभु आपण मानक भल रखी था। चलत स्टार्ट करवा आज टॉपिक हूँ बेल गच्छ बेलपत्र। शिवशंकर महाप्रभुंकर अति प्रिय बेलपत्र। ए बेल गच्छटी किभली भाव जन्म नेला पौराणिक कथा वास्तु विचार एवं यही बेलपत्र सेवन कले कौन उपकारिता अच्छी। सृष्टिर अवदान रे एक विस्मय वृक्ष बेलवृक्ष। दर्शक बंधु आपण मैंने अल्प बहुत जानते ये धराधाम सृष्टि किभली भाव पौराणिक मतरे ये बेलगछर उत्पत्ति होती। सदासर्वदा माँ लक्ष्मी प्रभु महादेव को पूजि था। माँ लक्ष्मी महादेव को पूजुंट केमती तो स्वामी हूँ निजे नारायण। महादेव एक कथा पचारिथिले, माते आपणकर तो स्वामी स्वयं नारायण हेले मते आराधना करिवार मते पूजिवार कारण कौन। माता लक्ष्मी कही प्रभु नर आउ नारायण एक परा, तेणु आपण को पूजीबिन तो आउ काहा को पूजीबी। आपण दुईटी शरीर हेले एक भगवान आपण, तेणु नर आउ नारायण समान प्रभु। माँ लक्ष्मी सबुबले महादेव को 108 पद्म फूल पूजती। दिने हठात पूजा समय देखिले जे पाखरे पद्म फूल 107 अच्छी आ गोटिया पद्म फूल ना। माँ लक्ष्मी चिंतार पड़गले कौन करे। माँ लक्ष्मी मन पड़गला से रामायण कथा प्रभु रामचंद्र कथा, जितेबले से रावण को बध करने को जाऊ से पूजी से 108 रु 107 थिला पद्म फूल गोटे नथिला। स्वयं रामचंद्र तांकर आखिकी ताड़ीबा को जाऊथले अर्पण करदेवे पद्मफूल भावे। माँ कहले मु तो रामचंद्र को परी से पद्मफूल आखि नुह, मुठी आखि ताड़ीदेवी कौन करी। चिंता कले मन पड़गला तांकर स्वामी कथा नारायण कथा। नारायण तो सब मोर कहती मोर कुंच को बहुत भल पाती, सी मो कुंच को पद्मफूल सहित सामान कर मन पक से तांको कुंच काटी अर्पण करदे महादेव लिंग उपरे। महादेव प्रसन्न हो दर्शन दले माता। माता कौन चाहूँ कहतु कौन बर मगुंट। माता कहले नाई प्रभु मोर कौन सी बरर आवश्यक नहीं। नाई प्रभु आपण दर्शन हो गला से मु धन्य हो गली। तथापि महादेव तंको एक बर दे कहले माता जो तुमर यही कुंच काटी मत अर्पण कर दे कुंचर सृष्टि हबो एक विस्मय वृक्ष। से वृक्षर नाम हबो बेलगछ। संसार मंगल पाई बेलगछ सृष्टि हबो। सेठार सृष्टि होता महादेव आशीर्वाद सृष्टि होता यही बेलगछ। बेलगछ जदि आपणकर बारी लगोछंती वास्तु कौन कहुची। सदासर्वदा बेलगछ को आपण दक्षिण उत्तर कोण रे लगातु। मन रखतु दक्षिण आ उत्तर कोण रे, नचे पश्चिम ओ उत्तर कोण रे। पश्चिम उत्तर कोण रे दक्षिण उत्तर कोण रे लगाइले सदासर्वदा आपणकर मंगल होइथाय। आपणकर घर पे अत्यंत अत्यंत मंगल होइथाय। जदि सबटी जाउची श्मशान को जदि बेलगछर छाई बेलगछ जदि रास्ता कड़े बेलगछटी अच्छे से छाईटी जदि शब पर पड़ी थाए शब चली जाए श्मशान को जाऊ थाए ताहले से शबटी मुख्य प्राप्त लाभ करी थाए। बेलगछर पत्र वायुमंडल को असुदिष्ट नष्ट करी सर्वदा वायुमंडल को सुस्थ परिवेश रे परिणत करी थाए। जदि आपणकर बेलगछटी गृह रे थाए ताहले केबे भी सर्प आपण घर भीत को प्रवेश कर न थाए। मन रखतु यदि बेलगछ बारी थाए सर्प केवे आपण घर को प्रवेश कर न थाए। दर्शक बंधु केबे हेले भी भूल रे बेलगछ को छेदन करतु नाए। मन रखतु केबे भी बेलगछ को हाणतु नाए। यदि बेलगछ हाणुछंदी ब्रह्म हत्या सह ब्रह्म हत्यार जो पाप लगी थाए से पापरे आपण भागी हेबे, तेणु बेलगछ को केबे भी छेदन करतु नाए। जदि बारी रे बेलगछटी लगाउछंती पूजा अर्चना करुछंती जल दौछंती दीप दूप दौछंती
दर्शक बंधु मन रखंतु आपणकर परिवार रे केही भी रोगग्रस्त हेबे नाही। सदा सर्वदा आपणकर परिवार हसखुशी रे कटिबो। आर्थिक समस्या दूर हवा सहित आपण जदि ऋण रे थिबे, विगत दिन जदि आपण ऋण रे थिबे, ऋणमुक्त निश्चिंत भाबरे हेबे। तेणु बेलगछटी अति शीघ्र निज बारी रे लगांतु। एही बेलगछर मूळरे भगवान शिव बास करंती एवं शाखापत्र रे माँ लक्ष्मी बास थाए। जदि आपण पितृदोष रे भागी होइछन, पितृदोष रु मुक्त होबाक चाहूछन्ती, बेलगछ मूळरे पाणी अर्पण करंतु, पूजा अर्चना करंतु। सेतरे महादेव संतुष्ट होले आपणकर पितृदोष खंडन होइथाए एवं पूर्वपुरुष मानकर आशीर्वाद लाभ होइथाए। दर्शक बंधु एठे मन रखंतु, सोमवार चतुर्दशी अष्टमी पूर्णिमा एही दिन मानकरे केबे हेले बेलपत्र छिड़ांतु नाही। मन रखंतु सोमवार चतुर्दशी अष्टमी पूर्णिमा एसो दिन मानकरे बेलपत्र केबे भी छिड़ांतु नाही। जदि आपनको धनर अभाव रहुची, आपण एक कर्म करिबाक पड़िथाय। पुष्या नक्षत्र दिन मन रखंतु, पुष्या नक्षत्र दिन बेलगछ मूळरे पाणी देई पूजा करी सेथरु चेरखंडे आणंतु। एक नाली वस्त्र राखु, ए चेरखंडे को आपणकर धन बाक्स रखंतु, बा आपण जोठी पैसा पत्र रखुचंदी सेई जगार रखंतु। देखिबे निश्चिंत धन लाभ हबो। चलंतु जानिबा यार उपकारिता आउ सब कोन अछि, कोन सब रोग भलो होइथाय, बेलगछ पत्र सेवन कले कौन कौन सब रोग भल होता है, ये पत्र रे कौन सब विटामिन अच्छे, ये विटामिन ए बी सी आयरन प्रचुर परिमाण थाए, तेणु आम शरीर पर निहाती आवश्यक। जदि आपको ज्वर हो तो किटा बेलपत्र कि गंगशूली पत्र तुलसी पत्र आपको सीझे काढ़ा कर सेवन कले आपणकर ज्वर भल होता है। एबे देखिबा को मिलुची प्राय समस्त पाखरे जो गैस रोग, जो गैस सम्मुख होता है, पेट रे गैस सृष्टि विभिन्न प्रकार रोग सृष्टि होता है गैस रु, तेणु से गैस जनित जो समस्या आपण अच्छी ये रामबाण सदृश ये बेलपत्र सका आपण दुई रु तीन टा बेलपत्र दुई रु तीनो बेलपत्र खाली पेटरे पत्र को सफा कर चोबई नियंतु, पानी सफा करे चोबातु, भल भाव चोबई संपूर्ण आपको सेवन करूँ। देखिए लगातार दुई तीन मास करूँ, निश्चिंत भाव आपणकर पेटरे गैस जनित समस्या निश्चिंत भाव भल हम। थे परीक्षा कर देखु आपण पर हो आपण हो जदि आप अर्स रोग किए पीड़ित अच्छा, जदि अर्स रोग पीड़ित अच्छा व्यस्त हूँ ना, ये बेलपत्र को तोली आनी आपको सुखई दिंतु एवं आपको ग्राइंडिंग करी आपण कि हेमदस्त छेची आपको पाउडर करनी। ए पाउडर को गोटे रु देढ़ चामच सका सन्धार खाली पेटर सेवन करूँ। देखु लगातार किसी दिन सेवन कलापुर आपण ये अर्स रोग निश्चिंत भाव मुक्ति पाइबे। जदि आप श्वास रोग से पीड़ित अच्छा, यदि आप श्वास होता अधिक रु अधिक श्वास होल होना, विभिन्न प्रकार आप मेडिसिन सेवन कले भल होना, तो ये बेलपत्र को आप सेवन करूँ कंचार हो सुख पाउडर करी हो दिन को दुई थर सेवन कराया पड़ो सका सन्ध्या बेले। जदि कंचा करवल सका व्यवहार करेंगे, सन्धार जो दुई थर सका सन्धार व्यवहार कर चाहते आपको सुखी गुंड कर देढ़ रु दुई चामच पाउडर सेवन करूँ। देखिए श्वास रोग मुक्ति पाइबे। दर्शक बंधु मोर आशा विश्वास ये भिडियोटी आपण मानक निश्चिंत भल लगी। जदि भिडियोटी आपण मानक भल लगे गोटे लाइक करने को भूल। धन्यवाद।